नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। आज पूरे देश में ईद की धूम है। महीने भर के रोजे का अंत ईद का त्योहार के साथ ही होता है। ईद का त्योहार आखिरी रोजे के बाद मनाया जाता है। ईद उल फितर को मीठी ईद भी कहते हैं। ईद उल फितर की नमाज को सलत अल ईद भी कहा जाता है। ये नमाज ईद के मौके पर की जाती है। शिया और सुन्नी मुसलमान ये नमाज अपने अपने तरीके से अदा करते हैं। अरबी में ईद उल फितर का अर्थ है रोजा तोड़ने का त्योहार। तब तक ईद की शुरुआत नहीं मनाते जब तक चांद नजर नहीं आ जाए। पूरी दुनिया में ईद उल फितर का त्योहार अलग अलग दिन और समय पर मनाया जाता है। यह उस देश में चांद दिखने के समय पर निर्भर करता है। कई देशों के मुसलमान अपने स्थानीय समय के बजाय मक्का में चांद दिखने के हिसाब से ईद का त्योहार मनाते हैं। रमजान और ईद उल फितर हर जगह ग्रेगोरियन तारीख के हिसाब से अलग अलग मनाए जाते हैं। इस्लामिक कैलेंडर चांद पर आधारित है, जबकि ग्रेगोरियन कैलेंडर सौर्य चक्र पर आधारित है। इस्लामिक कैलेंडर के मुताबिक चांद दिखने के साथ ही नए महीने की शुरुआत होती है। आमतौर पर नया चांद हर 29 दिनों में दिखाई देता है, इसलिए चंद्र महीने ग्रेगोरियन महीनों की तुलना में कुछ कम होते हैं। यही वजह है कि पिछले साल की तुलना में हर साल रमजान 10 दिन पहले पड़ जाता है। ईद उल फितर का सामाजिक अर्थ भी है। आम दिनों में इस दिन मुस्लिम अपने घरों से बाहर निकलते हैं, एक साथ नमाज पढ़ते हैं, अपने पड़ोसी रिश्तेदारों से मिलते हैं और दूसरे लोगों को शुभकामनाएं देते हैं। दरअसल इस त्योहार का असल मकसद भी सामाजिक सद्भाव को बढ़ावा देना है। इस तरह ईद के त्योहार की हर गतिविधि सामाजिक गतिविधि में बदल जाती है। मगर कोरोना वायरस की वजह से लागू पाबंदियों की वजह से इस साल भी लोग ईद घर पर ही मना रहे हैं। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।